साहब में जो आते जुम्मे के जुम्मे हैं या ईद के ईद आ रहे होते हैं, वो ईद के ईद आके उन्होंने सारी मस्जिद को सर पे पाया हुआ होता है, और ऐसा लग रहा होता है कि जैसे वो ही इसी मस्जिद के मुतवल्ली, इसी मस्जिद के तार धरता जो है वो यही है जो ईद वाले दिन आने वाले। वज़ाहरतिल अस्वातु फिल मसाजिद, फरमाया मस्जिदों में आवाजें बुलंद होंगी। वज़ाहरतिल कैनात वल मआज़िफ, गाने बाजे वो बढ़ते, वो एक गुलुकार को बुलाया जाता है, पांच पांच दस दस लाख लोग अपनी शादी ब्याहों पे गुलुकारों को पांच पांच दस दस लाख रुपया दे के बुला लेते हैं। ये वो कौम है जिनको अभी पेट्रोल का मसला बना हुआ है, जिनको अभी जिस मुल्क में महंगाई हो गई है, ये पांच पांच दस लाख रुपया उन गुलुकारों को दे के बुला लेते हैं अपने अपने गाँव में, अपने अपने शहरों में, और उनके ऊपर जो है वो पैसे निशावर कर रहे होते हैं। और यही कौम है जो इनके ऊपर इतना लुटाने वाली है। और इस कौम की हालत यह है कि इमाम मस्जिद, मस्जिद के अंदर इमाम मस्जिद की तनख्वाह 10,000 रुपया हो, वो तकाजा करे 12,000 करो, सारे नमाजी जो है उन्हें दबाले हो जाते हैं, सारे नमाजी जो है रौला पा लेते हैं कि इमाम मस्जिद में क्या हो गया, अपनी तनख्वाह जी 12,000 कह सकी। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको हदायत अता फरमाए कि हमारा दीन के साथ रवैया ये हो गया है, दुनिया के साथ रवैया ये हो गया है।